नमस्कार साथियों, श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में, चाहे वो SSC हो, MPPSC हो या अदर स्टेट के या वनडे एग्जाम हो, उन सभी में खेल से संबंधित 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम खेल से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। देश में खेलों को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उच्च स्तरीय क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल संस्थाओं एवं सरकार की ओर से खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में 21 अगस्त को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो कि 29 अगस्त यानी खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों एवं कोच को प्रदान किए जाएंगे। हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं जिनको अभी प्रदान किए गए हैं। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इन सभी के बारे में न सिर्फ हम ये जानेंगे कि किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिले हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये पुरस्कार होते क्या हैं। आइए तो आगे हम जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये इसके इसमें कितनी राशि दी जाती है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप देखेंगे पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, तो यही उसी प्रकार खेलों के क्षेत्र में जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हम देख लेते हैं कब से हुई, तो 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पे पदक प्रशस्ति पत्र तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राशि पूछ ली जाती है। कई एग्जाम्स में, खासकर SSC वगैरह में पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि आवंटित की जाती है। इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने देख ही लिया है, 1991-92 से हुई। अब ये ध्यान रखना है कि कौन से खिलाड़ियों को, कभी कभी कूट करके भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार से उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने 4 वर्ष की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो। यानी कि एक साल दो साल की उपलब्धि में नहीं दिया जाता है, बल्कि 4 साल लगातार, ये भी नहीं कि थोड़ा गैप करके लगातार आपको मेंटेनेंस यानी खेल के क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन करना होता है। आगे हम देखते हैं, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, को वर्ष 1991-92 में दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है। हाल ही में MPPSC के प्री एग्जाम में ये पूछा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस साल और थोड़ा सा देख लेंगे 2019 में भी किसे दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया, बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं और दीपा मलिक को आप लोग सभी जानते हैं पैरा एथलेटिक्स, इनको दिया गया है। आगे हम जानेंगे कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि पहली बार 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में आप जानते हैं, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश कुश्ती, रानी हॉकी। ये आपको ध्यान रखना है, इन सिर्फ खिलाड़ियों का नाम नहीं बल्कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये मैंने लिखा है कि 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया जो कि किसी एक वर्ष में दिए जाने वालों में से सर्वाधिक है। इससे पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। आइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में मुझे लगता है पूरी जानकारी हो गई है। अब हम जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो जैसे कि पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों के लिए उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार से 3 वर्षों के लिए। इसके तहत 5 लाख रुपये, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे हम देखते हैं इस वर्ष किसे यह पुरस्कार मिला है। हाँ, तो इस वर्ष कुल 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। 27 खिलाड़ियों के नाम याद कर पाना इतना सरल नहीं है, इतना संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण 10 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जिसको मैं समझा देता हूँ, पढ़ देता हूँ।
जिस श्री अतुन अतनुदास तीरंदाजी, सुश्री दुति चंद एथलेटिक्स, सात्विक साई राज रणकी रेड्डी बैडमिंटन, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन, श्री विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, सूबेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग, श्री ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, सावंत अजय अनंत घुड़सवारी, श्री संदेश झीगन फुटबॉल। आइए अब हम लोग, मुझे लगता है कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। इसमें हमने जाना कि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ और 2020 में किन किन लोगों को मिलेगा या घोषणा हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में जानते हैं। द्रोणाचार्य से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, अर्जुन तो एक तरीके से खिलाड़ी मान सकते हैं और द्रोणाचार्य को आप कोच मान सकते हैं, यानी जो शिक्षित कर रहा है। तो 1985 से इसका प्रारंभ हुआ है। यह उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण दिए जाने वाले प्रशिक्षकों को यानी कोच को दिया जाता है और किसी को नहीं। है आपको ध्यान रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके तहत 5,00,000 रुपये, द्रोणाचार्य की प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे किसे प्राप्त हुआ है। तो इसके तहत ठीक है, हम लोगों ने हाँ ये भी ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी और एक नियमित श्रेणी। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 13 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष 2020 में। इनमें से कुछ का नाम है, जूड फेलिक्स सेवेस्टियन हॉकी के क्षेत्र में, योगेश मालविया मलखंब, जसपाल राणा शूटिंग, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानते हैं। 2002 से इसकी शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि ध्यानचंद जो है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम है, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि ध्यानचंद आ रहा है तो ये सिर्फ हॉकी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि यह पुरस्कार हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद की स्मृति में खेल के क्षेत्र में, ना कि हॉकी के क्षेत्र में। ठीक, खेल के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उल्लेखनीय प्रदर्शन करने पर प्रदान किया जाता है। इसके तहत भी 5,00,000 रुपये, एक प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं किन किन को यह पुरस्कार दिया गया है। खिलाड़ी का नाम हम देखते हैं, कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप एथलेटिक्स, प्रदीप श्री गणेश गंधे बैडमिंटन, यहाँ पे एक ही गंधे होगा तो सुधार लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो हम लोगों ने देखा ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, अब हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में जानेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ये बहुत सरल है, उन सबसे सरल है ये। 1956-57 से शुरुआत हुई इसकी। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम कौन थे, विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हो या कोच हो या संगठन, उनको दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10,00,000 और ट्रॉफी एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी कि संगठन जो वहाँ पे लिखा है, यानी यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। इतनी सी बात थी इसमें। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेल कूद के विकास में योगदान करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को सरकार द्वारा, यानी हम जानते हैं कि वर्ष 2009 से इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई। ये सभी को जानकारी नहीं होती है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की 4 श्रेणियाँ होती हैं। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। हाँ, ये एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में किसी प्रकार का नगद इनाम नहीं दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जो श्रेणी है तो ये देख लीजिएगा, उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना, इसके लिए पुरस्कार 2 इंस्टीट्यूट को दिया गया है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक, दूसरा है कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, तो इसके लिए तेल और प्राकृतिक गैस
निगम ONGC लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। खिलाड़ियों को तीसरा है, खिलाड़ियों को रोजगार और कल्याण उपाय, तो इसके लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। विकास के लिए खेल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अंतिम में वही बात मैंने लिखा है कि यह पुरस्कार सभी कोच एवं खिलाड़ियों को, ये सभी पुरस्कार, सिर्फ यह नहीं बल्कि सभी पुरस्कार, सभी कोच एवं खिलाड़ियों को 29 अगस्त खेल दिवस, आपको याद रखना है कि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस जो कि है उसके उनके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी दिन सभी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, कोच को भी, और इसकी जो घोषणा तो पहले हो जाती है लेकिन दिया 29 अगस्त को दिया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि खेल पुरस्कार से संबंधित जितनी भी बातें हुई वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपको बताना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका PDF जो है तो टेलीग्राम में मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल श्री सुंदरम एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।